नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका एकदम सीधी बात में। और एकदम सीधी बात में आज मेरे साथ मौजूद है नीलम यादव जी, जो कि महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है। आपका बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। नीलम जी, आपके बारे में बहुत सुना कि उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे को आप बखूबी उठाती हैं और उसे बुनाने की भी बखूबी कोशिश करती हैं। आपने यूपी में हाथरस हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज प्रमुखता से उठाई, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुप क्यों हो जाती है जब दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार होता है? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए तत्पर रहती है और सारा विश्व जानता है, भारत जानता है कि दिल्ली इंडिपेंडेंट राज्य नहीं है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल के हाथों में पुलिस नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हाथ में प्रशासन नहीं होता तो हम लोगों की सुरक्षा की बात करते तो हैं और उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हो पाया, जैसे आप सीसीटीवी कैमरेज हो गए, महिलाओं में जो बसों की यात्रा जो फ्री की गई है उसमें मार्शल जो उसमें महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं अंधेरी गलियों में ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। तो आज जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं, जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, वो सुरक्षित रहें। तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे पूरी महिलाओं की मदद कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है, ऐसा नीलम यादव जी कह रहे हैं। अभी हमने देखा कि जी बोलिए। मैं ये भी कहना चाहूंगी, पीछे स्वाति मालीवाल जी ने बहुत सारे ऐसी जो महिलाएं या बच्चियां जगन अपराध जिनके साथ हुआ उनके खिलाफ स्वाति मालिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत सारी आवाजें उठाई हैं। सरकार को इस तरह से मतलब झुकाया है उन्होंने कि फास्ट ट्रैक बनाया जाए, जल्द से जल्द उन अपराधियों को सजा दी जाए। तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और आम आदमी पार्टी पूरी तरह सुरक्षा दे भी रही है। ठीक है नीलम यादव जी, अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में राघव चड्ढा पर एक आरोप लगाया गया और उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले संजय सिंह साहब को भी निलंबित कर दिया गया था। तो क्या जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है कि ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी जुटी हुई है? देखिए, ये तो सारा भारत भी जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण, जैसा कि अभी मणिपुर, आपको पता है कि मणिपुर जल रहा है, पिछले 4 महीने से जलता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है लेकिन उनका कोई भी वहां पे किसी की भी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह जी, उनके हाथों अभी तक नहीं हुआ है सुरक्षा। पर न जाने कितने घर लुट गए, कितनी दुकानें लुट गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितनी महिलाओं और बच्चियां बेआबरू हो गई। अभी आपने देखा होगा इतना एक ऐसा वीडियो देश के सामने आया जो हम सबको शर्मिंदा करता है और मैं एक तरह से कहूँ कि इसके लिए कोई शब्द नहीं बना हुआ है कि हम आपके सामने कुछ कह भी सके। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगी कि जो वो निर्वस्त्र, जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, उन महिलाओं का क्या कसूर था? आप दावे भरते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, एक तरफ ये कहते हो कि 12 बजे रात को बच्चियां निकलेंगी गहना पहन के, जेवर पहन के, बच्चियां सुरक्षित। अरे मैं खुद कहती हूँ अमित शाह जी से कि आप 12 बजे साड़ी पहन जाए और गहने ला के चलिए, या आपके साथ सुरक्षित ना रहे। लेकिन आप जो दावा करते हो उस दावे में आप फेल हो चुके हो, मिशन शक्ति तक फेल हो चुका है आपका। और इसका जीता जाता उदाहरण है मणिपुर, जहाँ पे महिलाएं और बच्चियां बेआबरू हो रही हैं और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में मणिपुर का मां भी नहीं बोला और आज तक उन्होंने मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं की। जब विपक्ष
और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने जब आवाज उठाई, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आकर के सदन में मणिपुर पर चर्चा करें, वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। क्या उनका गुनाह था सांसद संजय सिंह जी का? उन्होंने जनता की आवाज उठाई, मणिपुर के लोगों के लिए आवाज उठाई और वहां उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष हार गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार ये सवाल उठाते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोले और सदन के अंदर मणिपुर पर बोले, लेकिन मणिपुर पर उन्होंने सिर्फ कुछ ही देर बोला, जिसको लेकर विपक्ष बॉयकॉट करता हुआ भी नजर आए, विपक्षी सांसद पहले ही उठकर चले गए। तो अविश्वास प्रस्ताव को लाने का मकसद देखा जाए तो विपक्षी दलों का यही था कि मणिपुर पर वो बोले, लेकिन ऐसा तो होता हुआ नजर है, इसका मतलब ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से फेल साबित हुआ। देखिए, ये सारा जहान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो इशारे पे, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, जिस तरह चल रहा है और विपक्ष को लगातार नीचा दिखाने का काम कर रहा है, तो कितने दिन तक आप कर लोगे? ये जो तानाशाही रवैया है नरेंद्र मोदी जी का, जो ये लोकतंत्र का जो गला घोटने में लगे हुए हैं, वो विपक्ष का आवाज दबा सकते हो, लेकिन आप जब जिस दिन जनता सड़क पे आएगी उसकी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते हो। अविश्वास प्रस्ताव जरूर लेके आए थे विपक्ष के लोग, लेकिन इनको ये घमंड है कि मेरे पास संख्या है, मेरे पास पावर है, और उस पावर का गलत इस्तेमाल करके सदन में भी बहुत सारे ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिनको सस्पेंड कर लगातार किए जा रहे हैं। और राघव चड्ढा जी का की कोई गलती नहीं थी उसमें, आपको तमाम सांसदों के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे उनकी क्या गलती थी कि उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन मैं यही कहूंगी नरेंद्र मोदी जी से कि जिस तरह से आपने देश की महिलाओं के साथ दुराचार, उनकी जो उनके साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार हो रहा है, उसके पे आप उससे बोलना, मतलब एक शब्द आपके पास नहीं है बोलने के लिए। और जिस तरह से स्मृति ईरानी जी संसद में चिल्ला चिल्ला के इस तरह का भाषण दे रही हैं, क्या मणिपुर की महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा? ऐसे तो आप विपक्ष में रहते हो तो बहुत सारे आपके पास मुद्दे आ जाते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, लेकिन आज आपकी आवाज कहाँ चली गई? आपने मणिपुर की उन महिलाओं की सुरक्षा की बात तो नहीं की, आप राहुल गांधी के ऊपर आपने तुरंत उंगली उठा दिया, लेकिन जरा उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया उन महिलाओं को। सारा देश शर्मसार है लेकिन स्मृति ईरानी भी शर्मसार नहीं हुई, और दूसरे पे आक्षेप लगाना इनका पुराना अंदाज है। INDIA पर नीलम यादव जी क्या कहेंगे? ये नीलम यादव जी का सिर्फ बयान नहीं है, इस सारा भारत एक है, और जो INDIA की बात कर रही है ये इंडिया है, इसका आप संधि विच्छेद भारतीय जनता पार्टी अगर कर देगी तो इससे इंडिया टूटती नहीं है, इंडिया को कोई तोड़ ही नहीं सकता है। सदियों से गुलाम भारत, गुलाम इंडिया अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, तो ये जो अंग्रेजों का साथ देने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज लोग हैं और जो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग जो लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम कर रहे हैं और इंडिया को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि ये सत्ता उनके हाथ से निकल जाए। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया नाम देने का भारतीय जनता पार्टी ने खुद मेक इन इंडिया, बढ़ो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, तब आपको इंडिया नाम में परहेज नहीं था, आज आपको इंडिया नाम से परहेज हो गया क्योंकि विपक्ष ने नाम दे दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी नरेंद्र मोदी से कि जो ये इंडिया बनाम NDA है, इंडिया कभी भी किसी से हारा नहीं है और इंडिया की जीत हमेशा होगी, होती रही है और आगे भी होगी। उत्तर प्रदेश से आप आती हैं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें
तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करने जा रही है कि 2024 यानी कि आम चुनाव में आम आदमी पार्टी का महिलाएं रुख करें? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2 सालों से लगातार हर वो मुद्दे उठा रही है, आम आदमी पार्टी की महिला दिन या आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी राज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, हर एक दिन अगर आप पेपर उठाएंगी तो आपको हर जिले के एक ऐसा कोना मिलेगा जहां पे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सुनाई देगी। और इधर से योगी जी कहते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, यही नारा तो दिया था 2014 में, और आज आप कहते हो कि महिलाएं सुरक्षित हैं, मिशन शक्ति तक चलाया इन्होंने। लेकिन तमाम ऐसे आप देख लीजिए, झांसी से लेकर के गोरखपुर और बनारस से लेकर के बलिया तक और लखनऊ से लेकर के सीतापुर तक, उत्तर प्रदेश का कोना कोना अगर आप झांकेंगी तो हर जगह महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार पाया जाता है हर दिन। ठीक है, अनगिनत कांड होते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिक्र आप कर रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को आप देख रही हैं, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पूरी तरह से, अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब आप वहां मैं कुछ सवाल करती हूँ आम आदमी पार्टी से, तो ये जवाब मिलता है मुझे कि पुलिस जो है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार के। तो यहाँ पर भी तो महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्या सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मैंने आपसे यही कहा, योगी राज में राम राज्य तो कहा जाता है, लेकिन इस राम राज्य में रावण राज्य, राम राज तो रहा नहीं, लेकिन योगी जी के इस उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने चुना उनको, और आप महिला सुरक्षा के वादे करते करते थक चुके हो और ये बताते बताते जनता को थक चुके हो कि सुरक्षा है, सुरक्षा है, सुरक्षा है, लेकिन मैं कहती हूँ, मैंने हर जगह उन महिलाओं को जा करके प्रोत्साहन दिया है, उन्हें सांत्वना दिया है। बस्ती में अभी एक छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची थी जिसका बलात्कार हुआ, वहां पे मैं गई, उनके परिवार को सांत्वना दी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आता नहीं, योगी सरकार की तरफ से उनके कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं उनको आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, या ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई कानून नहीं बनाते हैं योगी जी कि जैसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे देश का जो कानून है वो बदल जाना चाहिए। कल इसी पर एक और बात ऐड करती हूँ नीलम जी, कल कुछ फैसले लेकर आए हैं, कुछ बिल लाने की तैयारी हो रही है सीआरपीसी, आईपीसी और मॉब लिंचिंग पर भी, कि सीधे मॉब लिंचिंग पर अब मौत का प्रावधान होगा। अरे किस बात, कैसे बातें ये लोग करते हैं, ये कितना झूठ फैलाएंगे, ये हर टाइम कुछ न कुछ, इनकी जब चुनाव आता है तो इनका प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है और इनके पास योजनाओं की छड़ी लग जाती है। अभी आप देखो कितने युवाओं ने इसी लखनऊ में इसकी धरती पर अपने रोजगार के लिए लाठी धरने किए, लाठियां खाई पुलिस, कितने सारे ऐसे पद हैं नौकरियों के जो रिक्त हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिनके पेपर करने के पहले ही लीक हो चुका। और तो और मैं आपसे ये भी कहूंगी, योगी जी जो है जितने वादे इन्होंने किए करते आ रहे हैं सब झूठे वादे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहूंगी कि जिस तरह के ये वादे कर रहे हैं क्या वो पूरे हुए? 2 करोड़ जो नौकरी देने की बात कही गई थी वो पूरे हुए? महंगाई को कम करने की बात कही गई थी क्या वो पूरे हुए? महिला सुरक्षा की वादे किए गए वो क्या पूरे हुए? युवाओं को रोजगार देने की बात थी वो पूरे हुए? मैं तो ये कहती हूँ किसानों के लिए, आप देखिए पिछले 2 साल पहले किसान धरना दिए, एक कितने सारे लोगों का परिवार खत्म हो गया, बहुत सारे ऐसे किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से, क्योंकि उनके जो अनाज है उसका सही दाम तक सरकार देने को तैयार नहीं है। तो आज के राज्य में न किसान सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, आप किसको सुरक्षा दोगे?
किसके लिए आपने कौन सी योजना बताए बनाते हो। नीलम जी ये तो बात हो गई कि सरकार में क्या क्या कमियां हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह से कमियों का शासन चल रहा है, आप इसका जिक्र कर रही हैं। आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है, अब आम आदमी पार्टी INDIA का हिस्सा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कितना दमखम उत्तर प्रदेश में रखती है, क्योंकि पहले तो अकेले चुनाव लड़ रही थी, अब INDIA के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, कितनी उम्मीदें हैं, क्यों जनता आप लोगों को पसंद करे, क्या आपका विजन है, क्या तैयारी है आगे। महिलाओं का जिक्र आप बार बार कर रही हैं और NCRB के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी अगर प्रदेश में ये बात उठा रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है महिला अपराध के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठन का निर्माण विस्तार धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर बढ़ता जा रहा है। और हमने अभी पीछे आपने देखा होगा हम नगर निगम का चुनाव लड़े, उसमें आपके 500 प्लस पार्षद निकले, उसमें कम से कम 15 से 20 हमारे चेयरमैन निकले, तो आप हमें हम बढ़ते जा रहे हैं, हम घट कहीं नहीं रहे हैं। और हम लोग जब तक इस उत्तर प्रदेश में संगठन आने वाले 2027 में हमारा संगठन बनके पूरा तैयार हो चुका होगा, और इस सरकार का हिलाने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो वो आम आदमी पार्टी करेगी। और रही बात 2024, ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा कि हमें चुनाव लड़ना है या हमें विपक्ष का सपोर्ट करना है, क्योंकि विपक्ष का हम हिस्सा है, तो इसका निर्णय तो सिर्फ नेतृत्व ही लेगा कि किस तरह का कैसा 24 में हमारा क्या होगा रणनीति, ये सिर्फ तय करेगा। महिलाओं के लिए क्या करेगी आम आदमी पार्टी, महिलाओं का, आप तो महिलाओं के लिए मुद्दे उठाती है ना, महिलाओं का भी लगातार जिक्र कर रही हैं आप। देखिए, पहली बार सबसे पहला नंबर आता है महिलाओं की सुरक्षा, तो क्योंकि आप योगी जी के हाथ में सारा शासन सुशासन है, तो हम महिलाएं जब तक मैं अपनी जो जिम्मेदारी, मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं आने वाले टाइम में राज्यपाल से मिलूंगी, आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगी, मैं सबसे महिलाओं की सुरक्षा पे हम कौन से इंतजाम कर सकते हैं जिससे कि अपराधियों को भय हो, डर हो, और उन महिलाओं और बच्चियों को इस तरह से जो सफर कर रही हैं घटनाओं में, उनकी जो मौतें हो रही हैं, चाहे ऐसी घटनाओं की बात कर लीजिए, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, चाहे वो 80 साल की महिला हो, जो इस तरह के मानसिकता से भरे हुए लोग हैं, उनको किस तरह की सजा का प्रावधान हो सकता है, इन सब पे मैं लड़ाई लड़ूंगी। दूसरी बात यह है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले हमारा काम होगा कि महिला आरक्षण पे लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, क्योंकि सरकारें इस महिला आरक्षण पे कभी बोलती नहीं, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया लेकिन पास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी से मैं खुद महिला अध्यक्ष होने के नाते अपने लेटर में ये लिखना है मुझे कि कम से कम अपने राज्य में तो 33% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए, जैसे और सारे बिल आप सदन में पास करा रहे हो, ऐसे ये भी बिल पास करा देते तो मैं समझती कि आप महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हो। जब भी महिलाओं का जब जिक्र आता है, महिला सुरक्षा का जिक्र आता है, तो नहीं इनका महिला उत्तर प्रदेश से न स्टेट की महिला आयोग कुछ बोलती है, ना नेशनल की महिला आयोग कुछ बोलती है, इनके मुंह में दही जमा रहता है, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है, क्योंकि भारत के जब प्रधानमंत्री ही नहीं कुछ महिला सुरक्षा पे बोलते हैं तो खैर इनकी ये महिलाएं भी नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि इनके मुंह में भी दही जमा रहता है, चिट्ठी सादे रहती हैं। और मैं इनसे यही कहूंगी कि जागिए, एक महिला होने के नाते आप दूसरी महिलाओं के जो उनकी आत्मा को जो झंझोलने का काम कर रही है ये समाज जो कर रहा है, उनके बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लीजिए, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए, उनके बारे में बोलना सीखिए। ये गूंगी बहरे की सरकार बन चुकी है, आने वाले समय में यही आधी आबादी, यही महिलाएं उत्तर प्रदेश से इन्हें धकेलने का काम करेगी, इनको सिंहासन से हटाने का काम करेगी। नीलम जी, इस वक्त जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे UCC को लागू करना, इसके अलावा ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, इसके अलावा पसमंदा मुस्लिम का मुद्दा लगातार उठ रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठ रहा है, हिंदू मुस्लिम जो आप लोग भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार पर कि BJP सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, ये जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, क्या वाकई ये मुद्दे हैं देश में या सिर्फ ये मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, चाहे वो ज्ञानवापी की बात कर रही है, चाहे पसंदा की बात है, चाहे आप
हिंदू मुस्लिम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है कि एक दूसरे से बीच में लड़ाना, और हिंदू मुस्लिम ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके राज करना इनका यही काम है, लड़ाओ और राज करो। तो आज भी वही कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, इनके पास न महंगाई का मुद्दा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न महिला सुरक्षा की मुद्दा है, न किसानों पे कोई चर्चा है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म और जात ये दो चीजों को लेकर के इनके पास मुद्दे होते हैं, और इन्हें न किसी पूरे देश की जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से लड़ाना है, चाहे पड़ोसी पड़ोसी से लड़ाए या फिर जैसे मणिपुर में जो घटना हो रही है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत का क्या वो हिस्सा नहीं है मणिपुर जिस पे आपको बोलना चाहिए? वहां भी इन्होंने लड़ने पे, एक दूसरे को लड़ाने पे पूरा पूरा इनका एक प्रयोजन था, सोची समझी साजिश की, इसी वजह से आज मणिपुर जल रहा है। अगर ये चाहते कि गृह मंत्री अमित शाह जी चाहते तो आज ये हालात पे काबू पा सकते, लेकिन सबको पता चल चुका है कि ये सोची समझी साजिश है और ये लड़ाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में साढ़े छह साल का कार्यकाल योगी सरकार का हो गया है, दोबारा वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। अगर जनता उन्हें नहीं पसंद कर रही है तो फिर वो कैसे सत्ता में आए हैं? इसका मतलब जनता उन्हें पसंद कर रही है? देखिए, जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है ये तो सर्वे यही बता पाएगा कि क्या होगा इस बार। लेकिन जनता को जो ये 80 और 20 का जो ये फर्क समझाते हैं और जो हिंदुत्व का जो गठरी लेके पूरे देश में ये फैलाते हैं, जिस दिन ये जनता जान जाएगी कि धर्म से रोजगार नहीं मिलेगा, धर्म से महिला सुरक्षा नहीं होगी, धर्म से किसानों के अनाज के मुआवजा नहीं मिलेगा, किसानों के अनाज के दाम नहीं मिलेंगे, धर्म से हमारे बच्चों का इलाज नहीं होगा, धर्म से हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगा, जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया जनता को, और वो आने वाला है सर, कि धर्म से धर्म एक धर्म है, हम धर्म को धर्म समझते हैं, इससे पहले क्या हम धर्म को नहीं समझते थे? आज भारतीय जनता पार्टी ने समझाने की कोशिश कर रही है कि धर्म क्या है, जात क्या है, हिंदू क्या है। तो इस चीज में जो जनता को बरगला रही है, ये एक दिन समय आने वाला है कि जब जनता खुद सड़क पे होगी और इनको सबक दिखाएगी। ठीक है, नीलम यादव जी, आप कह रहे हैं कि हम लगातार आप महिलाओं के बीच जाती हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनसे मुलाकात भी करती हैं, सांत्वना देती हैं, उनके लिए एक शक्ति के रूप में काम करती हैं, उन्हें भी बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएँ हम देख रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर कार्यशाला भी लगाई जाती है, जो बच्चियां हैं स्कूल की उन्हें समझाया जाता है, जो महिलाएं हैं उन्हें बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप किस तरह से सेल्फ डिफेंस के क्लासेस भी हम देखते हैं कि बच्चियों को दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहा है। तो नीलम यादव किस तरह से आगे मांग करती हैं सरकार से कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए या इस तरह से कानून में बदलाव होना चाहिए, तब जाकर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा? क्योंकि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो बहुत सारे कानून में बदलाव हुए थे, उसके बाद पॉक्सो एक्ट आया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उतना मार्जिन जो है वो कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर आया लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। देखिए, सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती, जिस तरह से सरकार योजनाएं लेके आती और हर योजनाओं पे अगर सही से काम होने लगे तो शायद लगता है कि ये जितनी सारी दुश्वारियां हो रही है जनता को ये नहीं होती। लेकिन सरकार लेके तो आती है पर उससे अमल कितना करती है? हर टाइम हम बच्चियों को समझाते हैं, आज आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में अभी दंगे हुए, फसाद हुए और वहां के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने क्या बोला कि हम सभी की जनता की हम रक्षा नहीं कर सकते। उनका स्टेटमेंट आया है, आप खुद देख लीजिएगा। क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? वे चुनी हुई सरकार है, हरियाणा की जनता ने उन्हें चुना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सीएम खट्टर साहब को ये बात शोभा देती कहते हुए कि मैं जनता की रक्षा नहीं कर सकता?
जनता की रक्षा करने का दायित्व तो आपके ऊपर है, आपको उसका जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हो, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हो, आप सिर्फ जात की राजनीति करते हो, लेकिन किसी महिला के आंसू, किसी युवा के आंसू, किसी किसान के आंसू, किसी छात्र के आंसू पोछने की आप हिम्मत नहीं रखते हो, क्योंकि खुद आप भ्रष्टाचारी। ठीक है नीलम जी, आखिर में एक और सवाल, ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उन या कि ये जो गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है आम आदमी पार्टी INDA का, ये सिर्फ उन्हीं राज्यों की महिलाओं की फिक्र करती है जहां पर BJP शासित जो राज्य है, लेकिन जो दूसरे राज्य है वहां पर जैसे कि राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। बहुत जल्दी बात कर रही हैं आप, बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मणिपुर है, उस पे उन्होंने कौन सा वहां पे उन्होंने प्रशासन लगाया रोकने के लिए जो आगजनी हो रही है, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों महिलाओं के महिलाएं और बच्चियां बेआबरू हो गई, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं है? क्या वो भारत का एक राज्य नहीं है? क्यों उसको अकेला छोड़ दिया गया जलने के लिए? पहले आप उस पे बात तो करिए जो आगे सामने हो रहा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, आप राजस्थान की बात कर रही हो, हर राज्य में जहां भी महिला असुरक्षित है वहां की बात करनी चाहिए, लेकिन जो सामने जो देश का एक राज्य जल रहा है उस पे नहीं बोल रहे ये लोग। आप दूसरे पे उंगली उठाने पे माहिर हो, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकने पे हो कि आपके जो सांसद, आपके मंत्री, आपका नेता, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जो महिलाओं को एक तरह से मैं प्रताड़ित करते हैं, ऐसे तमाम केसेस आए हैं। अगर नाम लेना शुरू करूंगी, गिनाना शुरू करूंगी तो गिनती कम पड़ जाएगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और छात्र विरोधी सरकार है। देश की ये हर वर्ग के जो लोग हैं, जाति धर्म के ये दुश्मन खुद हैं, ये देश की जनता को किस राह पे लेके जा रहे हैं सारा देश देख रहा है। और चाहे कुछ भी कर लें, चाहे ये मीडिया खरीद ले, चाहे ये प्रशासन खरीद ले, चाहे ये जस्टिस खरीद ले, लेकिन एक दिन जनता को पता चलेगा कि इनका क्या रूप है। ये जो क्रूर तरह का राजा जो है यहाँ का, जो क्रूर हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी क्रूर राजा के रास्ते स्थापित हो रहे हैं, हिटलर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने रूप को देखेगी कि किस तरह सा इनका इतिहास में, इनका काला जो इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का जो शासन। ठीक है नीलम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एकदम सीधी बात में बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली में बढ़ता महिला अपराध हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बढ़ता महिला अपराध हो, उस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने वो विजन क्लियर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तत्पर है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और नए मेहमान के साथ, तब तक आप देखते रहिए एकदम सीधी बात। We'll be right back.